लांबे मल्हार। ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है, अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती हैं, काफी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं, और उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा बट सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीनअप किया था, ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीनअप कर पाऊं। वाह, थैंक यू, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। और हमारे देश की समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए द नेक्स्ट कैटेगरी हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड, और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवीर सिंह। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। दैट्स जहानवीर सिंह। नो बाबा, बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है, और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है, उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए।